हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ड्राई फ्रूट चॉकलेट बर्फ़ी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में 50 ग्राम मूँगफली डालेंगे। लो फ्लेम पर मूंगफली को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट मूंगफली को भूनने के बाद इसी में अब हम 50 ग्राम बादाम डालेंगे और 2 से 3 मिनट बादाम को भी भून लेंगे। मूंगफली को भूनने में समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मूंगफली को हमने पहले डाला है। 2 से 3 मिनट बादाम को भी हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम काजू और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। 1 मिनट बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अब हम एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। और अब हम लेंगे 50 ग्राम किशमिश, 7 से 8 पीस अंजीर। अंजीर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम सभी को एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसे हल्का दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर भी हल्का दरदरा रखते हुए पीस सकते हैं। हमें इसका ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से हमने इसे हल्का दरदरा रखते हुए पीस लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 2 टेबल स्पून हनी और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का मिश्रण बनकर तैयार है, तो अब हम इसे सेट करेंगे। कोई भी छोटे साइज का चौकोर, बाउल, ट्रे या केक टिन को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और वाटर पेपर लगाकर वाटर पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें मिश्रण को डालकर इसे सेट करेंगे। मिश्रण को हमें अच्छे से प्रेस करते हुए सेट करना है और अब हम इसे अलग रखेंगे। और अब हम लेंगे 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट को माइक्रोवेव या डबल बॉयलर की सहायता से मेल्ट कर लेंगे। पहले हमने 30 सेकंड चॉकलेट को माइक्रोवेव किया है, इसे एक बार मिक्स कर देंगे। फिर से इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा समय के लिए चॉकलेट को माइक्रोवेव नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। और अब हम चॉकलेट को 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। चॉकलेट में कोई भी लम्स ना रहे और चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट बाद चॉकलेट को अब हम बाउल में डालेंगे और चारों तरफ से इसे अच्छे से फैलाकर सेट करेंगे। ऊपर से थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स इसे गार्निश कर देंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर सेट होने देंगे। 10 मिनट बाद अब हम इस पर कट लगाएंगे। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। कट लगाने के बाद साइड के कॉर्नर को भी अलग कर देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाएगी। अब हम इसे किसी भी प्लेट में पलट कर निकाल लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बिना चीनी, बिना गुड़ डाले ये ड्राई फ्रूट चॉकलेट बर्फी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं और इसे आप स्टोर कर फ्रिज में 1 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।